Myself, Jatin Dave from Asapura School, and welcome all of you once again. Okay, shall we start now? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला. केमिकल फॉर्मूला को किस तरह से राइट किया जाता है. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन. तो केमिकल फॉर्मूला है ये कंपाउंड का सिम्बोलिकली रिप्रेजेंटेशन है उसके कंपोजिशन को दिखाने के लिए. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन ईजीली. और ये जो केमिकल फॉर्मूलाज होती हैं डिफरेंट कंपाउंड की, इससे बहुत ही इजीली राइट किया जा सकता है. फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बॉल्स एंड द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. इसके लिए हमें दो बातें जानना जरूरी होगा. पहली बात सिम्बॉल्स ऑफ द एलिमेंट, और दूसरा हमें पता चलना होना चाहिए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट. कोई भी एलिमेंट है उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, किस कितने एटम्स के साथ वो कंबाइन हो सकता है, और उस एलिमेंट का सिंबल क्या है. ये दोनों चीज़ों की हमें प्रारंभ में ज़रूरत पड़ेगी. कंबाइनिंग पावर यानी कि कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी. तो यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी की जो हम बात कर रहे थे, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी को एलिमेंट की वैलेंसीज कहा जाता है. एंड वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ द अनदर एलिमेंट. और ये वैलेंसी जानने से हमें ये पता चलता है कि कोई भी एटम है एलिमेंट का, एटम्स ऑफ द एलिमेंट है, ये कंबाइन होता है अदर एटम्स ऑफ द अनदर एलिमेंट के साथ, तो किस तरह से ये फॉर्म होगा केमिकल कंपाउंड्स. द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ द एटम. तो दूसरी बात ये कि जो वैलेंसी ऑफ द एटम है एलिमेंट के लिए, इसे हम इस तरह से भी सोच सकते हैं एज अ हैंड और आर्म ऑफ द एटम्स. तो ये एटम्स हैं इसके, या तो हाथ या फिर आर्म्स हैं. ह्यूमन बींग्स हैव टू आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज इट. जिस तरह ह्यूमन बींग्स हैं ना, तो हमारे दो हाथ हैं और ऑक्टोपस के पास आठ है, पूरे 8. इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल इन सच अ मैनर दैट ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ आर्म ऑफ ऑल द ह्यूमंस आर लॉक, हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड. रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विथ ओ एंड ह्यूमन विथ एच. देखिए, मनुष्य के पास दो हाथ हैं और ऑक्टोपस के पास आठ हैं. अगर हम इस तरह की कुछ सोचने की कोशिश करें कि एक ऑक्टोपस है, हैज टू कैच द होल्ड ऑफ द फ्यू पीपल, वो कुछ लोगों को पकड़ लेना चाहता है, इन सच अ मैनर ऑल द 8 आर्म्स ऑफ द ऑक्टोपस एंड बोथ द आर्म्स ऑफ ऑल द ह्यूमन आर लॉक्ड. इस तरह से उसे पकड़ना है कि मनुष्य के दोनों हाथ को इसे लॉक करना है, और इस तरह से वो अपने एक एक हाथ का उपयोग करते हुए इंसानों को पकड़ता जाता है. तो आप बता सकते हैं कितने ह्यूमंस हैं उसे वो पकड़ सकता है. तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट के लिए ऑक्टोपस के लिए ओ और ह्यूमन के लिए एच सिंबल का यूज़ करते हैं. कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन. क्या इसकी फॉर्मूला बना सकते हैं. डू यू गेट ओ एच फोर. डू यू गेट ओ एच फोर. क्योंकि ऑक्टोपस के पास आठ हाथ हैं और मनुष्य के पास दो हैं, तो मनुष्य के दोनों हाथ को लोकेट करने के लिए, एक मनुष्य के दो हाथ को लोकेट करने के लिए ऑक्टोपस के दो हाथों का इस्तेमाल होगा. तो इस तरह वो चार मनुष्य को लोकेट कर सकता है. और यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला बनेगा ओ एच फोर एज अ फॉर्मूला. द सब्सक्राइब फोर इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्थ बाय द ऑक्टोपस. तो यहाँ पर चार जो लगा है ना, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर चार मनुष्य है इसे ऑक्टोपस पकड़ेगा. द वैलेंसीज ऑफ द सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6. तो देखिए, यहाँ पर एक फिर से टेबल इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड की गई है, टेबल नंबर 3.6, जिसमें कॉमन आयन वैलेंसीज ऑफ द कॉमन आयन दिखाया गया है. वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर. और जानकारी वैलेंसीज के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उस हम शेयर कर रहे हैं टेबल नंबर 3.6 के द्वारा. सबसे पहले वन वैलेंसी के लिए नेम ऑफ आयन है सोडियम Na+,
potassium K plus, silver Ag plus, and copper first Cu plus. फिर इसके बाद दो वैलेंसीज के लिए मैग्नीशियम Mg प्लस टू, कैल्शियम Ca प्लस टू, जिंक Zn प्लस टू, आयरन सेकंड ये होगा Fe प्लस टू और कॉपर सेकंड ये होगा Cu प्लस टू। तीसरी वैलेंसीज थ्री के लिए हैं एल्यूमिनियम Al प्लस थ्री और आयरन थर्ड स्टेज में जो होता है Fe प्लस थ्री देखने को मिलेगा। दूसरा है नॉन मेटेलिक एलिमेंट के लिए, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट में हाइड्रोजन के लिए H प्लस, हाइड्राइड के लिए H माइनस, क्लोराइड के लिए Cl माइनस, ब्रोमाइड के लिए Br माइनस, आयोडाइड के लिए I माइनस, ऑक्साइड के लिए O माइनस टू, सल्फाइड के लिए S माइनस टू और नाइट्राइड के लिए N माइनस थ्री। कुछ पॉली एटोमिक आयंस भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे कि अमोनिया के लिए NH4 प्लस, हाइड्रोक्साइड के लिए OH माइनस, नाइट्राइड के लिए NO3 माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए HCO3 माइनस, कार्बोनेट के लिए CO3 माइनस टू, सल्फेट के लिए SO3 माइनस टू, सल्फाइड के लिए सॉरी सल्फेट के लिए SO4 माइनस थ्री और फॉस्फेट के लिए PO4 माइनस थ्री। सम एलिमेंट शो मोर देन वन वैलेंसी, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो एक से ज़्यादा वैलेंसी दिखाते हैं। और रोमन न्यूमेरिकल न्यूमेरल शोज देयर वैलेंसी इन द ब्रैकेट, और ऐसी वैलेंसी रोमन फिगर में यहाँ पर दिखाई गई है। जैसे कि आयरन है तो आयरन Fe प्लस टू फॉर्म्स में भी होता है और Fe प्लस थ्री फॉर्म्स में भी होता है। कॉपर इसी तरह से Cu प्लस फॉर्म में भी होता है और Cu प्लस टू फॉर्म्स में भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये कुछ जानकारी थी वैलेंसीज के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग एन केमिकल फॉर्मूला आर एस फॉलो। हमारा मेन टॉपिक ये था कि जब केमिकल फॉर्मूला हम राइट करते हैं तो कौन से रूल्स को फॉलो करने हैं, तो ये सिंपल से रूल अब आपके स्क्रीन पर। द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, सबसे पहले आपको वैलेंसी या फिर चार्जेस ऑफ आयन है इसे बैलेंस करना होगा। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, जब कंपाउंड फॉर्म हुआ है इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों शामिल हैं, तो नेम और सिंबल्स ऑफ द मेटल्स इज रिटन फर्स्ट। तो जब आप इसकी केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको मेटल के बारे में सिंबल यूज़ करना होगा, इसे रिटन करना होगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसमें सबसे पहले कैल्शियम जो कि मेटल है इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद ऑक्साइड के बारे में जो कि नॉन मेटल है हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, इसी तरह सोडियम क्लोराइड में NaCl, आयरन सल्फेट में FeS, कॉपर ऑक्साइड में CuO लिखा जाता है। वेयर ऑक्सीजन क्लोराइड सल्फर आर नॉन मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, तो जो नॉन मटेरियल नॉन मेटल लिखा है उस नॉन मेटल मेटलिक को केमिकल फॉर्मूला से लिखते वक्त राइट हैंड साइड की तरफ दिखाया जाता है और जो मेटलिक एलिमेंट है उसे लेफ्ट साइड में राइट डाउन किया जाता है। जैसे कि कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर ये सारे मेटल्स हैं, इसे लेफ्ट साइड पर राइट किया गया है। इन कंपाउंड्स फॉर्म विद द पॉली एटोमिक आयन्स, अगर जो कंपाउंड है वो पॉली एटोमिक आयन से फॉर्म हुआ है तो आयन इज इनक्लोज इन द ब्रैकेट, तो आयन्स को हम इनक्लोजिंग करेंगे ब्रैकेट के अंदर बिफोर राइटिंग द नंबर ऑफ इंडिकेट्स द रेशियो। इसका जो नंबर हम राइट करेंगे इंडिकेट द रेशियो, ये दिखाने से पहले इस नंबर को दिखाने से पहले हम इसे ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और फिर राइट करेंगे। इन द केस द नंबर ऑफ पॉलीएटोमिक आयन इज वन, अगर जो ये सिंगल नंबर में है द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इसके लिए ब्रैकेट रिक्वायर नहीं है। जैसे कि NaOH के लिए, तो इसमें जो पॉलीएटोमिक आयन है OH माइनस एक ही है, तो इसके लिए हमें ब्रैकेट के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपके स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंड्स हम लाए हैं, देखिए। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड द बायोनरी कंपाउंड्स।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स ये फॉर्म हुए, इसे बाइनरी कंपाउंड्स कहा जाता है। वैलेंसी ऑफ सम आयन आर गिवन इन द टेबल 3.6। अभी हम स्टडी करके आए हैं किस तरह से अलग अलग आयन्स की वैलेंसी है। यू कैन यूज़ दिस टू राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, और इसका हम इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड फॉर्मूला राइट करने के लिए। वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर द कंपाउंड्स वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड देयर वैलेंसी इज शोन इन द बिलो। तो केमिकल फॉर्मूला राइट डाउन करने से पहले हम इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं और इसकी वैलेंसी है इसे नीचे दिखाया गया है इस तरह सबसे पहले राइट डाउन करेंगे एंड देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। देखिए एग्जांपल में सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए यहाँ पर सिंबॉलिकली दो एलिमेंट्स यूज हुए और इसके सिंबल हैं एच और सी एल और इसकी वैलेंसी है इसे क्रॉस राइट की गई है, हाइड्रोजन की है 1 और क्लोरिन की है वैलेंसी 1। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड भी होगा HCl। दूसरा फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो यूज हुए हैं यह है हाइड्रोजन और सल्फर। सल्फर के लिए जो यहाँ पर हम यूज करेंगे वैलेंसीज दिखाई गई है सल्फर के लिए 1 और हाइड्रोजन के लिए 2। तो इसके हिसाब से बैलेंसिंग होकर फॉर्मूला का H2S मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड। एक और फॉर्मूला आपके सामने कार्बन टेट्राहाइड्राइड के लिए जिसमें यहाँ पर एलिमेंट सिंबल यूज हुआ है C कार्बन के लिए, Cl क्लोरीन के लिए और जो वैलेंसीज होगी जैसा कि हम जानते हैं क्लोराइड की 1 है और कार्बन की है 4, तो 4 यहाँ पर जुड़ेगी क्लोरीन के साथ और कार्बन के साथ 1 और इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ द केटायन Mg+2 फर्स्ट फॉलो बाय द सिंबल ऑफ द एनायन Cl- एंड देन देयर चार्जेस आर क्रॉस क्रिस क्रॉस टू गेट द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ऑफ द मैग्नीशियम क्लोराइड होगा यहाँ पर दो सिंबल यूज हुए हैं MgNCl और चार्जेस हैं Mg के लिए +2 और क्लोराइड के लिए -1, ये एक दूसरे के क्रॉस होंगे और इसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा MgCl2। दस इन अ मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर टू क्लोराइड आयन्स मतलब Cl- फॉर इच मैग्नीशियम आयन Mg+2। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बी बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस करेंगे इस तरह से कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ये न्यूट्रल बन जाएगा, तटस्थ बन जाएगा। नॉट दैट इन द फॉर्मूला, तो हर एक फॉर्मूला में ये देखने को मिलेगा द चार्जेस ऑन द आयन्स आर नॉट इंडिकेट, लेकिन चार्जेस ऑफ द आयन है ये फॉर्मूला में नहीं दिखाए जाएंगे। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर आपके स्क्रीन पर हैं। फॉर्मूला ऑफ द एमोनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल है Al, ऑक्सीजन का है O, एल्यूमिनियम की वैलेंसी थी +3 और ऑक्सीजन की -2। इन दोनों को बैलेंसिंग करते हुए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा Al2O3। एक और एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर, यहाँ पर कैल्शियम का सिंबल है Ca, ऑक्सीजन का है O, कैल्शियम की वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की है -2। क्रिस क्रॉसिंग करते हुए यहाँ पर वैलेंसी ऑफ द टू एलिमेंट आर द सेम, सो यू मे अराइव एट द फॉर्मूला Ca2O2 बट द सिंप्लीफाई द फॉर्मूला इज CaO। तो जैसे कि हम रूल्स के हिसाब से बात कर रहे थे यहाँ पर हमें Ca2O2 लिखना चाहिए, लेकिन सिंपली फॉर्मूला यहाँ पर दोनों की बैलेंसेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और सेम नंबर से हैं तो हम राइट करते हैं CaO मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस वीडियो में हमने डिफरेंट एग्जाम्पल भी देखे फॉर्मूला ऑफ द सिंपल कंपाउंडिंग के। कुछ और भी फॉर्मूलाज और एग्जाम्पल हैं आपके स्क्रीन पर। देखिए फॉर्मूला ऑफ द सोडियम नाइट्रेट NaNNO3 सिंबल्स हैं, दोनों के +1 और -1 रिस्पेक्टिवली वैलेंसीज हैं तो फॉर्मूला होगा NaNO2। एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर, Ca और OH ये इसके सिंबल्स हैं और यहाँ पर वैलेंसीज कैल्शियम के लिए हैं +2, हाइड्रोक्सी की है -1 और इन दोनों को मिलाते हुए फॉर्मूला होगा CaOH2। सो नॉट दैट द फॉर्मूला ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2, नॉट CaOH2।
We use bracket when we have the two or more of the same ions in the formula. Here the bracket around OH with the subscript 2 indicates that there are two hydroxyl, means OH group, joined in a one calcium atom. And in other words, we can say is that there are two atoms each of oxygen and hydrogen in a calcium hydroxide. फॉर्मूला ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सिंबल यूज हुए एन ए और सी ओ टू, चार्जेस हैं सोडियम के लिए प्लस वन और सी ओ थ्री के लिए माइनस टू, और फॉर्मूला बनेगा एन ए टू सी ओ थ्री. इन द एबोव एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट इंडीड इफ देयर इज ओनली वन आयन प्रेजेंट. एक और एग्जाम्पल आपके लिए एमोनियम सल्फेट को लेकर, यहाँ पर फॉर्मूला का एन एच फोर एंड एस ओ फोर, चार्जेस रिस्पेक्टिवली है एन एच फोर के प्लस वन और एस ओ फोर का माइनस टू. तो फॉर्मूला जो होगा कंपाउंड्स का ये होगा एन एच फोर ब्रैकेट के अंदर ट्वाइस एस ओ फोर, एन एच फोर ट्वाइस एस ओ फोर, ये केमिकल फॉर्मूला होगा. अब कुछ ऐसे ही प्रैक्टिस आपके लिए टेक्सुअल एग्जाम्पल और टेक्सुअल क्वेश्चन के साथ, जो कि आज का आपका होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट के साथ हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आपका धन्यवाद करते हुए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.